हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ किनारा कैंपिंग एट पावना लेक। ये कैंप साइट आप देख सकते हो, पावना लेक के एकदम शोर पर ही है। एंड इस कैंप साइट में सिर्फ कैंपिंग का ही नहीं बल्कि और भी अदर एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस हम लेने वाले हैं, जैसे कि बोटिंग, कायाकिंग एंड सो ऑन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर आते कैसे है। इफ़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो एंड मुंबई से आ रहे हो, तो आपको लोनावला रेलवे स्टेशन उतरना है। देन रेलवे स्टेशन से ही आपको जीप मिल जाएगी जो आपको यहाँ तक ड्रॉप कर देगी। इफ़ आप पुणे से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कामशेद रेलवे स्टेशन उतरना है, देन वहीं से आपको जीप मिल जाएगी। ये जो जीप का कॉस्ट है वो अराउंड 1000 रुपीज़ होता है, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लेके रखना फॉर रिटर्न जर्नी, और एल्स आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके इनसे भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ले सकते हो। एंड अदर देन दिस, दूसरा ऑप्शन है आप आपके प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हो। यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। सो गाइज, अभी मैं पहुंच गई हूँ किनारा कैंपिंग। यहाँ पर टू टाइप ऑफ एकोमोडेशन है, एक तो हमारे नॉर्मल टेंट्स एंड दूसरा है लग्जरियस कॉटेजेस। तो चलो एक एक करके हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले तो हम ये लग्जरियस कॉटेजेस जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है हमारा कोजी सा कॉटेज, जिसका स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर बेड अवेलेबल है, देन इसी में अटैच वॉशरूम भी अवेलेबल है। एंड सबसे मेन चीज़ तो यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वो है, यहाँ से आपको पावना लेक का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस बालकनी में आप चेयर डाल के बैठ सकते हो एंड इस व्यू का मज़ा ले सकते हो। आफ्टर दैट ये है नॉर्मल कैंपिंग टेंट्स, ये आप देख ही सकते हो पावना लेक के शोर लाइन पर ऐसे लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से भी दिखाई देता है। इफ़ आप फैमिली आ रहे हो या फिर फ्रेंड्स आ रहे हो और कपल आ रहे हो तो आपको यहाँ पर सेपरेटली अरेंज करके दिया जाएगा। इसका चेक इन टाइम है 3 PM एंड चेकआउट टाइम है नेक्स्ट डे 11 AM। तो चेक इन करके फ्रेशन अप होके एक एक करके इसकी आइटिनरी जानेंगे और साथ ही में इसे एक्सप्लोर भी करेंगे। इवनिंग में 4 बजे तक यू विल गेट इवनिंग स्नैक्स, जिसमें आपको क्रिस्पी कांदा भजी एंड टी मिलेगा। जब मैं गई थी तब अचानक से वो टाइम पे बारिश स्टार्ट हुई, तो बारिश में ये गर्मा गर्म कांदा भजी एंड चाय का जो कॉम्बिनेशन था वो खाने में और भी ज्यादा मजा आया। अब जैसे कि ये कैंप साइट पावना लेक के एकदम शोर लाइन पर है, तो आप यहाँ नीचे लेक के साइड में बैठ के भी खा सकते हो और एल्स यहाँ इस डाइनिंग एरिया में भी खा सकते हो। आफ्टर इवनिंग स्नैक्स यू कैन प्ले सम गेम्स। यहाँ बीच ही में बड़ा सा ग्राउंड है वेयर यू कैन प्ले क्रिकेट विद योर ग्रुप और यू कैन प्ले बैडमिंटन, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है। इसके अलावा यहाँ आपको आर्चरी एंड डार्ट खेलने भी मिलेगा। बड़ों से लेकर छोटे सभी लोग यहाँ गेम्स का मजा ले सकते हैं। और जैसे ही आप गेम्स खेलकर थक जाओगे, यू कैन कम हियर एंड सिट नियर दिस लेक टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सनसेट। आफ्टर सनसेट यहाँ सभी जगह के लाइट्स ऑन हुए और ये कैंपसाइट और भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। इतने ज्यादा लाइट्स थे कि कुछ लोग 7 बजे तक बैडमिंटन वगैरह खेल रहे थे। अराउंड 8 बजे यू विल गेट बारबेक्यू। बारबेक्यू में दोनों ऑप्शंस है, वेज एंड नॉन वेज, जो आपको पहले ही बताना होता है। वेज में यू विल गेट रोस्टेड पोटैटो, पनीर एंड सम रोस्टेड वेजीज विद लेमन। एंड नॉन वेज में यू विल गेट चिकन, जो कि दोनों में बहुत ही ज्यादा यम्मी थे। अब बारबेक्यू खाने के बाद आप यहाँ अपने टेंट के बाहर ही मैट डाल के बैठ के इस ठंडी में सामने लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हो और इस ऊपर ओपन एरिया में म्यूजिक लगा के डांस कर सकते हो। डिनर स्टार्ट होता है 10 बजे से, जिसके लिए आपको यहाँ डाइनिंग एरिया आना है क्योंकि यहाँ बुफे सिस्टम से खाना सर्व किया जाता है। यहाँ आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। वेज में यू विल गेट रोटी, सब्जी, दाल, राइस, पापड़, सैलेड, अचार एंड स्वीट शीरा। एंड नॉन वेज में यू विल गेट रोटी, चिकन करी, राइस एंड सैलेड। तो ये यम्मी सा डिनर खाने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है, विच इज लाइव म्यूजिक विद बॉनफायर। अब जिनको भी लाइव म्यूजिक वगैरह पसंद है उनके लिए तो बेस्ट है, बिकॉज यहाँ बॉनफायर के साइड में बैठ के आपको भी इनके साथ गाना गाने मिलता है। नेक्स्ट डे इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। सनराइज देखना था इसलिए मैं तो 6 बजे ही उठ गई।
सनराइज के टाइम यहाँ अचानक से कुछ डक्स आए और उनकी आवाज से ऑलमोस्ट सभी लोग उठ गए। अब इस नेक्स्ट डे में दो एक्टिविटीज होती है विच आर बोटिंग एंड कायाकिंग। सबसे पहले तो मैं गई कायाकिंग करने, यहाँ उनके गाइड आपको प्रॉपर लाइफ जैकेट वगैरह पहनाते हैं एंड उसके बाद ही आप जा सकते हो। एक टाइम पे दो जन को साथ में जाने मिलता है फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। मैंने इसके पहले भी कायाकिंग किया है बट हर बार अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इस बार मुझे सनराइज देखते देखते यहाँ इस 30-40 फीट डीप पावना लेक में कायाकिंग करने मिला। उसके बाद मैंने यहाँ बोटिंग किया। एक टाइम पे 2-3 पीपल ही बोटिंग करने जा सकते हैं और हमारे साथ कैंप साइट से उनके एक पर्सन आते हैं जो कि ये बोट से हमें घुमाते हैं। बोटिंग में आपको बहुत आगे तक जाने मिलता है जहाँ से यू विल गेट टू सी सम अमेजिंग व्यू ऑफ तुंगी फोर्ट जो कि इस कैंप साइट के पीछे के साइड में ही है। बोटिंग एंड कायाकिंग दोनों भी एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग थे। मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप भी यहाँ आके ये दो एक्टिविटीज जरूर करें। आफ्टर दैट अराउंड 10 o'clock तक यू कैन हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में यू विल गेट सम गर्मा गर्म पोहा विथ सेव एंड लेमन एंड चाय एंड वो खा के यू कैन स्पेंड सम टाइम एट कैंप साइट एंड देन चेक आउट विथ सम अमेजिंग एक्सपीरियंसेस एंड लवली मेमोरीज। सो गाइज ये था किनारा कैंपिंग एट पावना लेक। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी सारे फन एक्टिविटीज़ किए मैंने यहाँ पर आके। तो अगर आप भी न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान कर रहे हो तो आप ये प्लेस पर डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। यहाँ पर न्यू ईयर में फायर क्रैकर शो, लाइव म्यूजिक और ऐसे कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होने वाले, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उनके वेबसाइट पर मिल जाएगी जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।